अ वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो फाइनली मैं दुबई आया था, आप सबको पता है, मोस्ट ऑफ यू आपने ब्लॉग्स देखे होंगे काफ़ी। तो ये मेरा जो ब्लॉग है वो है, आई एम जस्ट गोइंग विद माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप बैक फ्रॉम दुबई टू न्यू दिल्ली, बेसिकली टू इंडिया। एंड दिस इज दुबई एयरपोर्ट, यू कैन सी ऑन माई बैक। सो आगे जो भी प्रोसीजर्स होगा, जो भी रूल्स होंगे या जो भी होगा, मैं आपको दिखाते जाऊंगा सब कुछ पूरा डिटेल में, आपको अपडेट करेंगे ऑन टाइम। हाय सर, हाउ आर यू? आई विल गिव यू सरप्राइज, योर फ्लाइट इज 1001, नॉट हियर। फ्लाइट, फ्लाइट दिस मैन, दिस वन, योर फ्लाइट इज 1001, नॉट हियर। गाइस, दिस इज अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन, वी आर ऑन रॉन्ग टर्मिनल, आर फ्लाइट इज ऑन टर्मिनल 1, वी आर एट हियर। ये बहुत बड़ी गलती है जो हमने कर दी है। मेरे बारे में तो कुछ बोल, कौन आ गया? मेरे कलीग्स भी काफी गुस्सा हो रहे हैं। वी आर ऑन रॉन्ग एयरपोर्ट, व्हाट शुड वी डू? गाइस, टर्मिनल 1 जाना था और आके यहाँ खड़े हो गए हम। कम, व्हाट टू डू? गलत आ गए, सही जगह पे चलो। तो गाइस, ये पीछे जो है वो दुबई पुलिस है, इससे बात करी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। वी हैड अ कन्वर्सेशन विद दुबई पुलिस, इतना डाउन टू अर्थ, मतलब मैं बोल ही नहीं सकता। ऑलवेज ट्राई टू यू नो, हमने छोटी सी इंक्वायरी ली और उन्होंने इतना प्यार से हमको समझाया, मज़ा आ गया। सो दोस्तों, वी आर जस्ट ऑन रॉन्ग टर्मिनल एंड वी आर गोइंग एट T1, टर्मिनल 1। तो आप भी गलती मत करना ऐसी जो हमने करी है। वी हैव इंटरनेशनल सिंगर ऑल्सो, प्लीज से समथिंग। क्या बोलूं? Something good, हाँ, ट्रिप बहुत अच्छा रहा। But to be honest, मुझे अभी फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, हम बहुत enjoy कर रहे हैं। Yes, अभी फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जय माता दी। Now we have taken a taxi from terminal 3 to terminal 1. मुश्किल से 1 किलोमीटर का ही फासला होगा, वो भी नहीं है। ये टैक्सी ली हमने, इसने हमसे 30 दिरहम ले लिए। और राइट नाउ वी आर एट गुड लोकेशन, दिस इज टर्मिनल 1, आप देख सकते हो, लुक उठा सकते हो। चलिए अंदर चलते हैं और लुक उठाते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। फाइनली वी आर चेकिंग इन एंड काउंटर्स, ऑल डिपार्चर गेट, चेक इन एरियाज दैट हैज़ टू बी इन दिस साइड। सो हमको जाना है स्पाइस जेट के काउंटर पे, जाते हैं और फर्स्ट जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कराते हैं। सो गाइज, आई हैव डन बोर्डिंग पास फॉर्मेलिटीज़, मैंने अपना एक बैग बढ़ा है जो कि वहाँ जमा करवा दिया है। फाइनली आई गॉट द बोर्डिंग पास, जस्ट गोइंग टू सो दिस इज़ माई बोर्डिंग पास। और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं, जस्ट एयर सुविधा एक ऐप आता है, उस पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो भरना होता है, तो मैंने वो घर से पहले ही भर दिया था। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आपकी अगर दुबई से या कहीं से भी कोई रिटर्न फ्लाइट है तो आपको एक एयर सुविधा का जो ऐप होता है उस पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, देन आपका जो PDF जनरेट हो जाता है वो यहाँ देखते हैं। तो बेसिकली उन्होंने मेरा क्या देखा था, पासपोर्ट लिया था, वीज़ा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखे थे और एयर डिक्लेरेशन फॉर्म देखा था। मेरा बैग वहाँ जमा करवा दिया, एक बड़ा वाला।
अभी भी काफ़ी सारे डेस्टिनेशन ऐसे जहाँ हम इंजॉय नहीं कर पाए, जा नहीं पाए, जैसा कि दुबई फ्रेम रह गया, बुर्ज खलीफा ऑन टॉप रह गया। तो कोशिश यही रहेगी अगली बार कि वहाँ जाएँ और रियली इंजॉय करें। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अभी जस्ट कंटिन्यूड ब्लॉग में। सो गाइस, दैट्स अ वेरी नियर, वी वेरी नियर, आवर फ्लाइट इज डिलेड बाय 20-25 मिनट्स। My colleague. We are finally going back. She is having burger. I am not having burger. I'm I don't know why he gave me this bun. I just asked for the pieces. So I just wanted to let you know that our flight is delayed by 20 minutes. We are waiting in still waiting area. It's Delhi International Airport with Dubai, DXB. I found so many things like in terms of size, might be Dubai bigger, but IGI is also the best airport I have seen. Indira Gandhi National Airport. Okay, International Airport. Okay, let's get. Dubai's duty free is the best. Dubai duty free is the best. Best. But as we talk about the airport, Indira Gandhi International Airport and Mumbai Shivaji, Chhatrapati Shivaji Airport are best in cleanliness and as well as the infrastructure. All right, so Dubai International Airport, one of the most visited and one of the most busy airport, and IGI as well. But let's leave it. Why we should compare? Yeah, I have come for the fourth time to Dubai, and now I went to Burj Khalifa. Fourth time. You not went for the last three. On top floor. Yes. How was looking it? It was great, and I have been to Dubai Frame as well. You can go to Dubai Frame if you don't want to go to Burj Khalifa. It's the same view. I would say it is a better view from both actually. Okay, then. It was a different experience. So I think we missed it. Yeah. I'm really, really. Dubai Frame I went in the daytime and Burj in the evening. So it was a different experience in both ways. I was really very excited to go over there in Dubai Frame. Like, I was to see on glasses. It was something that amazing. I missed it. Really, really, I'm looking forward to come again. Dubai Frame, you walk on a glass. You can exactly see what's underneath you, and it's really a great feeling. But in Burj, you don't have anything like that. That's a different segment. That's building segment. So but you have different parts in the Burj Khalifa where you can click photos, many photos you can click there. So it's nice, it's great. Alright, thank you so much for your feedback and some views towards our international.